हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. लेट मी जस्ट चेक इफ इट इज विजिबल. आई होप सबको अपडेट मिल गई थी अबाउट द क्लास. यस. हेलो नम्रिता, नीलम, शिवानी, मर्सी, किरण, स्तुति, सर्वजिया, हेलो, इज इट विजिबल नाउ? पृथ्वी, पूनम, इति, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ? अभी दिख रहा है? प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं इफ इट इज विजिबल और नॉट. हेलो सरोज, सहेली, हेलो टू एवरीवन. यस, सो लेट मी जस्ट रिमाइंड एवरीवन अबाउट द क्लास कि अभी जो क्लास है मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देती हूँ सबको. ओके, यस. सो आज का क्लास क्या है? आज का क्लास इज एन ओवरव्यू क्लास. आई नो इस महीने मैंने काफी सारे ओवरव्यू क्लास ली है, तो आज का क्लास भी वही है. ओके, कि इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन थिंकर्स क्या है, और इंडियन थिंकर्स मेन थिंकर्स के अलावा हमें और कौन कौन से लोगों को डिस्कस करना है एटसेट्रा, वो भी हम लोग देखेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरक्टिव क्लास जहां पर आप लोग भी मुझे बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं. ओके, सो वी विल डू दैट. लेट मी जस्ट रिमाइंड एवरीबडी अबाउट द क्लास. सो मैंने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने जनवरी में बेसिकली क्या क्या है, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लासेस बहुत रखी है जहां पर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दी है कि कहां पर क्या आप लोगों को पढ़ना है, बेसिक सिलेबस क्या था एटसेट्रा. तो ये सारे चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस की है. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी दैट. सो यहाँ पर इंडियन थिंकर्स का सिर्फ हमारे 6 मेन थिंकर्स नहीं होंगे, बट उसके अलावा भी द इम्पोर्टेंट वंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम एज वेल. All right, so I think all of you have already come. So without any ado, let's get started with the video. Hello, Meenakshi, welcome. Divya, yes, hello to everyone. Okay, so पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कल का जो कल्चर पे क्लास था, क्या आप लोगों ने देखा है उसे? बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन प्लीज डू वॉच इट बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. ओके, कल का जो 7 बजे का जो मैंने कल्चर पे क्लास लिया था, मैं फिर से आप लोगों को लिंक्स भेज दूंगी. ऑल आई वांट यू ऑल टू डू इज टू वॉच दैट वीडियो. और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दी है, टेलीग्राम में भी डाला है सबको, सबके लिए, और प्लस में भी डाला है. तो सब लोगों को प्लीज वो फॉलो करना है. ओके, यस, पार्ट 2 मीनाक्षी, राइट? तो प्लीज आप लोग जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज डू वॉच इट. ओके दिव्या, यस एग्जैक्टली, प्लीज डू. पिंकी, नहीं देखा आपने, प्लीज देखिए आप. मैंने पीडीएफ भी डाल दी है और लिंक भी मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह में डाला था, तो आप प्लीज जरूर देखें वो. फिर से मैं भेज दूंगी अगर आप लोग चाहते हैं तो. ओके, ठीक है मीनाक्षी, कल्चर पार्ट 1 भी भेज दूंगी. यस, गाइज कैन यू सी मी? मेरी लाइट चली गई है. ओके, कैन यू ऑल सी मी नाउ?
ओके सो आई थिंक विल कंटिन्यू अगर वॉइस आ रही है तो. यस ओके सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है तो मैं देखती हूँ आप लोगों ने क्या क्या मैसेज दिया था अभी मुझे. अच्छा हेरोलॉम्बस का किताब प्रॉमिस आज टेलीग्राम में आने वाली है. ओके सहेली इज आस्किंग मैम अ क्लास ऑन हिस्टोरियोग्राफी. सहेली मैं जब रिसर्च मेथड्स का क्लास लूंगी तो वहां पर देर विल बी ऑन वन क्लास ऑन हिस्टोरिकल मेथड कंपेरेटिव मेथड सो डोंट वरी. ओके एंड हेरोलॉम्बस का किताब आज सबको मिल जाएगा. टेलीग्राम में भी डाल दूंगी. यस ओके वी विल कंटिन्यू नाउ. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज टू डिस्कस द मेन थिंकर्स. ठीक है मेन थिंकर्स कौन कौन से हैं हमारे इंडियन, उसमें हम लोग पहले उनकी बात करेंगे. सो दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, आई एम अंतरा चक्रवर्ती और मैं यूजीसी एनटीए नेट का सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ. सो दीज आर दी यूट्यूब चैनल्स, दिस इज माई चैनल एंड दिस इज अनअकैडमी लाइव चैनल. तो दोनों को आपको सब्सक्राइब करना है. ओके बिकॉज दोनों जगह में अब से क्लासेस होंगी. प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली पीपल. ओके ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको फॉलो करना इज मैंडेटरी, नहीं तो आप लोगों को अपडेट्स नहीं मिलेंगे. मैं अनअकैडमी प्लस में पढ़ाती हूँ सोशियोलॉजी. सो अनअकैडमी प्लस में आपको फुल सिलेबस मिलेगी दोनों पेपर वन पेपर टू का, और आपको दूसरे किसी किताब में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. रीडिंग मटेरियल्स, पीडीएफ, क्विजेस, मॉक टेस्ट, दोनों पेपर का प्रिपरेशन, और हर रोज 3:30-7 बजे मेरी क्लास, और 9 बजे अब से फ्री क्लासेस होगी दोनों प्लेटफॉर्म में. ओके ये रहे मेरे ऑनगोइंग कोर्सेस, बैच कोर्स और कंप्लीट कोर्स. अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे सो डू यूज दिस कोड. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्लास एंड डिस्कस द मेन थिंकर्स. आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सो ये रहे हमारे अंबेडकर, दीज आर द मेन थिंकर्स. ओके और मैं इनके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि मेन थिंकर्स के मेन थीम्स क्या है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है. ओके नो नीड टू इंट्रोड्यूस. एक्चुअली दिव्या देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कीप जॉइनिंग अस एवरी डे, इसलिए करना पड़ता है. ओके इरावती कड़वे हैं हमारे ओनली फीमेल इन द होल सिलेबस. ये हो गए हमारे घोड़े, ये हो गए गांधी, ये हो गए हमारे फेमस श्रीनिवास, एंड फाइनली वी हैव राधा कमल मुखर्जी. ओके सो दीज आर आवर मेन थिंकर्स. ये हमारे मेन थिंकर्स 6 हैं और इन 6 को हमें बहुत डिटेल में कवर करना है. और बाय डिटेल आई मीन दैट उनके कुछ स्पेसिफिक थीम्स है, उन थीम्स के अलावा आपको नहीं कवर करना है. सो अभी अगर आप एक बिगिनर है या फिर आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन के साथ शुरू ही कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि क्या क्या चीजें आप लोग को फॉलो करने पड़ेंगे इनमें से, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो. ओके सो क्या क्या वो चीजें हैं जो आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा एज बिगिनर्स, सो हम लोग देख लेते हैं. शुरू करते हैं सीक्वेंस वाइज. बट इससे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूं कि हाउ टू रीड. यस एग्जैक्टली तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, प्लीज कीप इन रिमेंबर, फर्स्ट थिंग जो जिसके ऊपर मैं एक स्पेशल क्लास भी रखूंगी, फ्री क्लास. ओके स्पेशल क्लास, फ्री क्लास जो मैं रखने वाली हूं फेब्रुअरी के बिगिनिंग में, वो है इमर्जेंस ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी. ऐसा आप लोग बिल्कुल ना समझे कि इंडियन सोशियोलॉजी से आपको इमर्जेंस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे. इंडियन सोशियोलॉजी आया कैसे, सोशियोलॉजिस्ट का मेन पर्पस क्या था इंडियन सोशियोलॉजी में, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारे शुरू करने से पहले आपको पहले ये करना पड़ेगा
तो मैं एक फ्री क्लास या फिर स्पेशल क्लास इस पे रखूंगी फेब्रुअरी में, जहां पर मैं इमर्जेंस डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे सोशियोलॉजी का फील्ड इंडिया में डेवलप हुआ, कब हुआ, किसने किया था, उनका अप्रोच क्या था. ओके, इस पे हम लोगों ने देखा है काफी हद तक पीवाईक्यूज आ चुके हैं, एंड नॉट नेसेसरी कि वो सारे पीवाईक्यू सिर्फ इन्हीं लाइंस में होंगे, वो अलग भी हो सकता है. ओके, वो अलग भी हो सकता है. सो वी विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड. सो नाउ लेट्स कम टू दी थिंकर्स. अब थिंकर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं सारे आप लोगों को यहां बता रही हूँ. ओके, यस, वेरी गुड दिव्या. इट्स 1919 जब इंडिया में फॉर्मली सोशियोलॉजी शुरू हुआ था. तो ये सारे चीजें मैं इस बार डिस्कस करूंगी, एंड दिस इज टू माय ओल्डर स्टूडेंट्स, जो मेरे पुराने प्लस के स्टूडेंट्स थे. इस बार काफी ज्यादा जो सिलेबस या फिर कंटेंट है मेरे पीडीएफ्स, वो काफी सारा मैं रिवाइज कर रही हूँ. ओके, सो इफ यू पीपल हैव सब्सक्राइब टू प्लस अगेन, डू फॉलो द करंट मटेरियल. लास्ट सेमेस्टर के मटेरियल्स को भूल जाइए, और अब से जो मैं आप लोगों को दूंगी वही आप लोग फॉलो करेंगे. ओके, सो थिंकर्स में सबसे पहले बर्थ एंड इट्स डेट, और डेथ भी. बर्थ एंड डेथ जानने का इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमें पता होता है कि वो लोग कौन से टाइम फ्रेम में बिलोंग करते थे या फिर कहाँ से बिलोंग करते थे. दैट रियली हेल्प्स अस. अगर आपको ये पता है कि श्रीनिवास जो है वो साउथ इंडिया से थे, मैसूर से थे, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि उनका फील्ड वर्क कहाँ था, तो आप लोग आसानी से आंसर कर पाएंगे कि जो उनका फील्ड वर्क था वॉज इन मैसूर, है ना. सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. ऑलराइट, देन वी हैव द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मेन आइडियोलॉजी या फिर अप्रोच, जिसमें अभी भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. मैंने बार बार आप लोगों से बोला है कि यू पीपल नो अबाउट द स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, या फिर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म. तो हमारे इंडियन थिंकर्स भी उनमें से काफी सारे अलग अलग अप्रोचेस में बिलोंग करते थे. सो आपका ड्यूटी ये हो जाएगा कि वो कौन कौन से अप्रोचेस में बिलोंग करते थे, वो सारा ढूंढ के निकालना. ओके, सो अगर श्रीनिवास से कोई क्वेश्चन आया, तो श्रीनिवास ऑब्वियसली हमारे फंक्शनलिज्म में आएंगे, श्रीनिवास कभी भी मार्क्सिज्म में नहीं आएंगे. बट ऑन दी अदर हैंड, इफ यू लुक एट पीपल लाइक ए आर देसाई एटसेट्रा, ये लोग सारे हमारे मार्क्सिज्म में आते हैं. सो आपको बहुत क्लियरली डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारे इंडियन थिंकर्स कौन से ऐसे हैं जो अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यस, घूरे ने पेट्रिक गिट्स को सक्सीड किया था, यू आर राइट. ओके, देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेन थियोरीज. अगर अभी आया कि वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, संस्कृताइजेशन का किसने दिया है, थियोरेटिकल प्लूरलिज्म किसको माना जाता है, ये सारे चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल दीज थिंग्स गो बैक टू घूरे, श्रीनिवास, कर्वे ने किनशिप पे काम की है. ओके, सो मेन थियरीज, मेन अप्रोचेस जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आज के क्लास में हम लोग एक एक करके थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोड्यूस देने वाली हूँ. ओके, उसके बाद आता है द मेन बुक्स. मेन बुक्स को कभी ना छोड़े, जो हमारे सिक्स थिंकर्स हैं, सिक्स थिंकर्स. उसके अलावा मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम देने वाली हूँ, जिनके मेन किताबों के नाम अलॉन्ग विद देयर ईयर्स. सिर्फ किताबों के नाम सीखने से नहीं होगा, उसका साल भी आपको सीखना पड़ेगा कि कब आया था. अगर आप लोगों ने रिसेंटली क्वेश्चन पेपर्स देखी है, वहां पर आपसे सीक्वेंस पूछते हैं वो लोग कि कौन से ईयर में कौन सा पब्लिश हुआ था, उसको आप लोग सीक्वेंस में डिजाइन करें. ओके, यस. उसके बाद आते हैं कोटेशंस में. अगर उनका कोई फेमस कोटेशन है मान लीजिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे कि कास्ट और क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोटेशन है, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सारे टॉपिक्स पे भी बहुत सारे हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके, कोई भी टॉपिक के लिए, इट इज नॉट जस्ट थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, बट कोई भी टॉपिक के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सही से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला. ओके, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से थिंकर से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, सो अभी हम लोग एक एक करके थिंकर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से थिंकर से बेसिकली क्या पूछा जाता है जनरली. ओके, तो मैं सबसे पहले रखूंगी बी आर अम्बेडकर को. कुछ टिपिकल
थीम्स है जिससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे थीम्स को मैं आप लोगों के लिए एक एक करके नोट डाउन करना चाहती हूँ. थीम नंबर वन फॉर बी आर अम्बेडकर इज दैट ही बिलोंग टू द सबाल्टर्न स्कूल. अगर क्वेश्चन आया कि वो कौन से अप्रोच से थे, वो सबाल्टर्न थिंकर थे, ना ही मार्क्सिस्ट ना ही फंक्शनलिस्ट, वो एक सबाल्टर्न थिंकर थे. ठीक है. नंबर टू, उनके जितने भी काम है दलित से रिलेटेड, दलित या शेड्यूल्ड कास्ट रिलेटेड जितने भी काम है, बुक्स या फिर जो उन्होंने पॉलिसीज लाई थी या फिर जो एक्ट्स लाए गए हैं अंबेडकर के थ्रू, थ्रू दलित या फिर शेड्यूल कास्ट एटसेट्रा, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. यस यस संघमित्रा, हेलो, वेलकम टू द क्लास. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इज हिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स. एक चीज आप लोग याद रखें कि अंबेडकर के ज्यादा किताबें हैं नहीं, तो जो है उनमें से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, लेट्स से अनटचेबिलिटी, ओके, उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, शूद्रस, ऐसे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कम सिलेक्टेड किताब मिलेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो संध्या, वेलकम टू द क्लास. मैम ये प्लस नहीं करवाओ ये सब. यस ये प्लस में ही होंगे, बट मैं आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सो दैट आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि क्या क्या टॉपिक आप लोगों को कवर करने होंगे. ओके सो आज का क्लास जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इट इज ओनली क्या कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्लास. ओके यस यस ऑल आर राइट. ओके आज का सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, यहाँ पर आई एम नॉट डिस्कसिंग द थिंकर्स एज अ होल. मैं बस आपको थीम्स बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं. देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल मूवमेंट दैट अंबेडकर लेड. ओके अंबेडकर ने कौन कौन से सोशल मूवमेंट लीड किया था. हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात की थी. बेसिकली कास्ट रिलेटेड जितने भी काम है अंबेडकर के, या फिर उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड. हमें ये पता है कि अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत कुछ दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके सो बेसिक फ्रेमवर्क हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अंबेडकर से आता है. सो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर के क्या क्या बेसिक जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उनके दलित या शेड्यूल कास्ट पे क्या क्या काम था, वो सबाल्टर्न स्कूल से बिलोंग करते थे, उनके जो फेमस फेमस किताबें हैं, उसके अलावा फेमस कोटेशंस भी आप लोग नहीं छोड़ सकते. कोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके जैसे कि उन्होंने कहा है कि कास्ट सिस्टम इज नॉट डिविजन ऑफ लेबर बट डिविजन ऑफ लेबरर्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट. यस एग्जैक्टली पृथ्वी, हरिजन शब्द को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था. उन्होंने कहा था कि हम लोग चाहे हरिजन बुलाए या कोई भी बुलाए, आप लोग अल्टीमेटली उन्हें अलग तो कर ही रहे हैं, एक स्टिग्मेटाइज्ड सोसाइटी कर ही रहे हैं आप. यस एग्जैक्टली नम्रता, यू आर राइट. कैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे चीजों पर उन लोगों ने उन्होंने फोकस किया था. सो दिस इज रफली द फ्रेमवर्क ऑफ अम्बेडकर दैट यू पीपल हैव टू रिमेंबर. इससे ज्यादा या फिर इससे अलग दे विल प्रॉबेबली नॉट आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड टू अम्बेडकर. ओके सो प्लीज आप लोग ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिख दी है, 7 पॉइंट्स मैंने लिखी है, वो आप लोग दिमाग में डाल ले, क्योंकि यहां से अलग अम्बेडकर से वो लोग नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, सो दैट हम लोग हमारा टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करें दूसरे चीजों में जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है. देन वी हैव नंबर टू इज महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी रिलेटेड क्या क्या चीजें आप लोगों को याद रखने हैं सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए, वो भी हम लोग वो कर लेते हैं. नंबर वन इज दैट वो एक फंक्शनलिस्ट थे, उनका जो अप्रोच था वो फंक्शनलिस्ट था, मतलब वो सोसाइटी के सारे चीजें वो
में कोई प्रॉब्लम नहीं देखते थे. सो गांधी का जो अप्रोच हो गया वो था ऑपोजिट ऑफ अंबेडकर. यस पृथ्वी योर राइट, ऑपोजिट ऑफ अंबेडकर. पूनम मैंने बस यही बताया है. ओके okay? कभी कभी पूछते हैं पृथ्वी कि किसने बताया है कि कास्ट इज डिविजन ऑफ लेबर, नॉट डिविजन ऑफ लेबर बट डिविजन ऑफ लेबरर्स, मान लीजिए. ओके okay? पूनम डोंट वरी, मैं आप लोगों को अलग से कोटेशन दूंगी प्लस में. ओके अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताया है कि कोटेशंस भी पढ़ना पड़ेगा अगर वो बहुत ज्यादा फेमस है तो. ओके अब जैसे कि अंबेडकर, गांधी, ये लोग दोनों ही बहुत फेमस है, तो उन दोनों ने बहुत सारे ऐसे चीजें बताई थी विच वी हैव टू रिमेम्बर. ओके सो फंक्शनलिस्ट या फिर ऑपोजिट ऑफ अंबेडकर. नंबर टू, उन्हें हिंदू रिलीजन बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो वो हिंदू रिलीजन के सपोर्टर थे. हिंदू रिलीजन या फिर कास्ट सिस्टम के पॉजिटिव सपोर्टर थे. ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम के बुरे चीजों को वो सपोर्ट करते थे, बट उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम में भी पॉजिटिव चीजें पाई जाती है. सो पॉजिटिव सपोर्टर थे वो कास्ट या फिर हिंदू रिलीजन के. ओके देन वी कम एट हिज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो गांधी के आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या है देख लेते हैं. नंबर वन इज स्वराज. स्वराज रिलेटेड जो भी उनके कॉन्सेप्ट है, जो भी थिंग्स है इन एंड अराउंड, वो सारे आपको सीखने हैं. नॉन वायलेंस, यस वेरी गुड. सर्वोदया, सत्याग्रह, ऐसे सारे बहुत सारे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जो गांधी से रिलेटेड होते हैं. दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन माइंड. नंबर फोर इज हिज बुक्स. बुक्स उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट लिखी है जो मैं अभी आप लोगों को लिस्ट नहीं देना चाहती हूँ. एग्जैक्टली हरिजन, जो इस बार आया था क्वेश्चन, हरिजन शब्द भी उन्होंने दिया था. इंपॉर्टेंट बुक्स उनके बहुत सारे हैं, तो सारे बुक्स आप लोगों को देखने होंगे. नंबर फाइव, काफी सारे थियोरीज दिए थे उन्होंने, थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट. जैसे कि एक उनका फेमस है ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का थियोरी, विलेज पे उनका थियोरी, और लास्टली कोटेशंस. अगर कोई है बहुत फेमस कोटेशन तो आप लोगों को याद रखना है. ओके एग्जैक्टली जो लोग अभी फिलहाल प्लस में नहीं है, मैं ये चीज आप लोग को ये बता रही हूँ सो दैट आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि गांधी रिलेटेड क्या पढ़ने हैं. उसके अलावा इफ यू पीपल वांट, मूवमेंट्स भी आप लोग देख सकते हो कि कौन से मूवमेंट में उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि खेदा मूवमेंट या फिर चंपारण मूवमेंट एक्सेट्रा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ गांधीज इन्फ्लुएंस. ओके यस सो ऐसे कुछ हमारे फेमस पेजेंट मूवमेंट्स हैं, फार्मर्स मूवमेंट है, जिन्होंने जिनको गांधी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, जिनके इनके वजह से ही, गांधी के वजह से ही ये सारे मूवमेंट्स हम लोगों को पता है उनके बारे में. सो ये सारे मूवमेंट्स भी आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओके हरिजन ही डिराइव्ड मे बी फ्रॉम फूले. ओके दैट आई एम नॉट श्योर, बट फिलहाल आप लोग सिर्फ हरिजन गांधी ही याद रखो. नेट में आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे. ओके जैसे कि इस बार डायरेक्टली आया था कि हरिजन शब्द का किसने दिया है. ओके किसने अनटचेबल्स को हरिजन बुलाया है, एज डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं. सो ये हो गया हमारे महात्मा गांधी के फ्रेमवर्क. इसी से ही, इसके अराउंड ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलग या फिर कुछ बढ़ के नहीं पूछेंगे. ओके बस यू हैव टू रिमेम्बर कि जो भी आप पढ़ो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही पढ़ो. अब गांधी ने मान लीजिए अपने कोई और रिलीजियस थियोरीज दिए होंगे या फिर रिलीजन पे क्या बताया है वो हम लोग को नहीं जानना है. ओके यस हरिजन टर्म पॉपुलराइज्ड बाय गांधी. यस सो वी डोंट हैव टू नो एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड सोशियोलॉजी. वी डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग दैट ही डिड बियॉन्ड सोशियोलॉजी. रिमेंबर दे हैव इंक्लूडेड गांधी फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी. सो ऑल दैट इज आस्क्ड विल बी इन दीज लाइन्स ओनली. नाउ लेट्स कम टू नंबर थ्री, माई फेवरेट.
गोविंद सदाशिव घुड़े. Now he is important because of many many reasons. What are the reasons? First, because he is the founder as well as father of Indian sociology. Indian sociology के official founder या father हम लोग घुड़े को मानते हैं. Okay? So घुड़े is very very famous from that regard. Number two, yes, he is the founder of many things, ISS, etc. etc. Because he is one of those first beginners who started with our Indian sociology. So he is very very important. Number two is his approach. He is an Indologist and believed in theoretical pluralism. This is very very important. Indology or theoretical pluralism हम लोग घोड़े से अटैच करते हैं. थियोरिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब क्या है कि वो बहुत सारे थियरीज या अप्रोचेस को लेते थे, वो किसी पर्टिकुलर या वन पर्टिकुलर अप्रोच ही डिड नॉट स्टिक टू. डोएन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यस, फादर एटसेट्रा. ओके, सो ही डिड नॉट रियली स्टिक टू वन पर्टिकुलर थियोरिटिकल अप्रोच. दैट्स वाई वी कॉल हिम एज अ थियोरिटिकल प्लूरलिस्टिक थिंकर. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ही इज एन इंडोलॉजिस्ट. बिकॉज वाई इंडोलॉजिस्ट? बिकॉज ही बिलीव्ड इन वेदास, शास्त्रास एटसेट्रा. सो ही इज मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज वेर बुक्स. सो ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ टेक्सचुअल या फिर बुक व्यू एंड नॉट फील्ड वर्क. ओके, ही वॉज नॉट अ वेरी कीन फॉलोअर ऑफ फील्ड वर्क. ऑल्दो ही डिड अ लॉट ऑफ फील्ड वर्क, बट ही वॉज नॉट रियली समबडी हु वॉज फॉन्ड ऑफ अ लॉट ऑफ फील्ड वर्क. ओके, नहीं, आईएसएस के फाउंडर हमारे घोड़े हैं. श्रीनिवास वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गिव द प्रेसिडेंशियल लेक्चर, बट फाउंडर इज घोड़े. ओके, बिकॉज श्रीनिवास इज द स्टूडेंट ऑफ घोड़े. श्रीनिवास बाद में आए. ही यूज्ड बोथ इंडक्टिव डिडक्टिव, यस. एरी ओरिएंटलिस्ट कह सकते हैं, नॉट वेरी, बट आई थिंक इंडोलॉजिस्ट वुड बी अ बेटर टर्म फॉर घोड़े. ओके, ओके, तो इसके अलावा और क्या क्या है? ही हैज वेरी वेरी फेमस थियरीज ऑन कास्ट, रेस, कास्ट एंड रेस एंड क्लास. ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दीज थिंग्स, किनशिप, कास्ट, रेस, क्लास. ही हैज कनेक्टेड ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड, ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक नोन एज कास्ट एंड रेस इन इंडिया. ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दैट, बिकॉज काफी टाइम घोड़े के जो बुक्स हैं वो आती है क्वेश्चन में. बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन आर वेरी कॉमन. इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कास्ट इज इक्वल टू ट्राइब. क्यों? बिकॉज उन्होंने ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदूज बुलाया था. दीज आर वेरी वेरी फेमस कोटेशंस. द ट्राइब्स आर नथिंग बट बैकवर्ड हिंदूज. ओके, यस. हेलो विनोद, वेलकम टू द क्लास. ऑल राइट, यस. सो दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा ही गेव वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कास्ट. उन्होंने कास्ट के कुछ वो दिए थे फीचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है. ओके, कास्ट के तो इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोगों को याद रखने होंगे जो घोड़े ने दिया था. और इसके अलावा ऑब्वियसली एनी थियरीज. कंटिन्यूअम नहीं कह सकते हैं, नो 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 पृथ्वी, कंटिन्यूअम यहां ले आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. कंटिन्यूम हम लोग नहीं लाएंगे बिकॉज कंटिन्यूम विल कीप टू सुरजित सिन्हा ओनली. ओके, बिकॉज कंटिन्यूम शब्द घोड़े में यूज कर लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, इसके अलावा बुक्स, उनके फेमस कोटेशंस, दैट्स ऑल फॉर घोड़े. इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पूछते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंकर, दैट इज हिज स्टूडेंट M. N. Srinivas. Now, M. N. Srinivas has a lot of contributions. बहुत उनके contributions हैं. Number one, आपको ये याद रखना है कि वो एक functionalist थे. Functionalist थे, वो field work के preacher थे कि field work आपको करना चाहिए.
या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं. ओके, हिज फेमस फील्ड वर्क्स, फेमस फील्ड वर्क्स, फील्ड वर्क के फाइंडिंग्स आपको याद रखने होंगे, फील्ड वर्क्स एज वेल एज देयर फाइंडिंग, कि फील्ड वर्क में जाके उन्होंने क्या स्टडी की थी, उनके फाइंडिंग क्या थे. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी कम टू हिज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या हम लोग पाएंगे, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन पे उन्होंने दी है, वेस्टर्नाइजेशन पे उनका थियरी है, डोमिनेंट कास्ट, और क्या क्या उनके थियरीज है, विलेज पे उनके थियरीज हैं, वोट बैंक, कुर्ग्स कम्युनिटी, ओक्का कम्युनिटी. ओके, ये सारे लोगों पे उनके बहुत सारे थियरीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट थियरी जो उनका है वो है संस्कृताइजेशन पे. संस्कृताइजेशन पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस ऑलवेज कम, बट दे एट टाइम्स चेंज द पैटर्न ऑफ संस्कृताइजेशन क्वेश्चन, या फिर दे राइट इट इन अ डिफरेंट मैनर. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन वॉट इज संस्कृताइजेशन थियोरिटिकली एज वेल, सो दैट देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम संस्कृताइजेशन यू आर एबल टू आंसर. So I will teach it in plus because we are starting with Indian thinkers this week. So don't worry, we will cover it up. But as of now, please remember that Sanskritization theoretically is very, very important for you all to learn. Okay? And remember, he's a functionalist. Never Marxist. He never supported Marxism. So please, please, never confuse. Okay, dialectical Marxism he never supported. So never confuse Srinivas with that. Then he has very important books. Important books. Aapko books to yaad rakhne hi hai uske saal ke saath. Along with their years. Nahi to nahi hoga. Uske saal ke saath. Yes, dominant caste likha hai maine. Okay, village, vote bank, Kurg, Okka, माइसोर, ये सारी चीजें जो है हमारे श्रीनिवास से रिलेटेड होता है. ठीक है, सो दीज आर सम रफ थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर रिलेटेड टू श्रीनिवास. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे इरावती कड़वे पे. नेक्स्ट जो हमारे ओनली वुमेन है सिलेबस में वो है द फेमस इरावती कड़वे. Now also remember कि इरावती कड़वे जो थे वो भी स्टूडेंट थे घोड़े के, स्टूडेंट ऑफ घोड़े, इसके वजह से वो भी एक इंडोलॉजिस्ट थे. यस, फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया. वो भी, उनका भी अप्रोच इंडोलॉजिस्ट ही था. वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ज्यादातर, सोशियोलॉजी तो बाद में हुआ, वो ज्यादातर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. वीक नेटवर्क मेरा भी हो सकता है बिकॉज आई एम रनिंग विथ माई फोन इंटरनेट, क्योंकि करंट चला गया था बट अभी आ गया है करंट. ओके, सो इज इट क्लियर गाइज, कैसे आप लोगों को याद रखना होगा. आते हैं हिज हर फेमस वर्क ऑन किनशिप, ऑब्वियसली जहां पर उन्होंने फैमिली पे बहुत सारा काम की है, किनशिप पे बहुत ज्यादा उन्होंने काम की है. ऑल्सो रिमेंबर शी वॉज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी इन पुणे यूनिवर्सिटी. पुणे यूनिवर्सिटी में वो फाउंडर रह चुके थे. ओके, सो दीज आर सम रफ थिंग्स दैट यू पीपल हैव टू रिमेंबर कड़वे रिलेटेड. उसके अलावा शी हैज वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स. बुक्स में द फेमस वन इज युगंत. उन्होंने बेसिकली क्या किया था, इंडियन माइथोलॉजी को फिर से री इंटरप्रीट किया था. इंडिया में जो भी माइथोलॉजिकल टेक्स्ट होती हैं उनको री इंटरप्रीट किया था.
टेक्स्ट को री इंटरप्रिट, ओके यस, हिज फेमस बुक युगांतर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इन्हीं के आसपास क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि नेट का क्वेश्चन पेपर वो लोग बनाते हैं कीपिंग इन माइंड एन एवरेज स्टूडेंट, ओके यस। शी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन फोकलोर, जो हमारे ओरिजिनल फोकलोर थे, पोएम्स थे, पोएट्री, उस पर भी उन्होंने काफी ज्यादा री इंटरप्रिटेशन किया है फोक स्टोरीज पे, ओके। सो दीज आर द रफ थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर रिलेटेड टू इरावती कर्वे, ओके। नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हुज नेम इज राधा कमल मुखर्जी। ये चीज मैं पहले भी मेरे स्टूडेंट्स को बता चुकी हूं कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे बिटवीन राधा कमल विद राम कृष्णा, डिफरेंट फ्रॉम रामकृष्ण मुखर्जी एंड डीपी मुखर्जी, दोनों सेम नहीं है। रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, दीज आर डिफरेंट, ओके। ये जो हमारे राधा कमल मुखर्जी है, ही इज बिलोंग्स टू द सेम टाइम ऑफ घोड़े, वो घोड़े के टाइम पे वो थे, पुराने थिंकर है वो। उनका अप्रोच क्या है? उनका अप्रोच है ट्रांस डिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटिव। ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटिव शब्द दिखा आपको तो ये राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। डू नॉट कंफ्यूज विथ थियोरिटिकल प्लूरलिज्म, ओके। राधा कमल इज ऑल्सो नोन एज द वेबर ऑफ इंडिया, ग्रेट, यस, बिकॉज उन्होंने, उनका जो बेसिक काम है वो है आर्ट, कल्चर, इंडियन वैल्यूज एंड सिविलाइजेशन। यस नम्रता, यू आर राइट, इंडियन सिविलाइजेशन, वैल्यू, एडल्ट एजुकेशन अग्रेरियन, ओके, एंड लास्टली हिज इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यस यू आर राइट पृथ्वी, मार्क्सिस्ट नहीं कह सकते हैं हम लोग राधा कमल को, नो नो नो, मार्क्सिस्ट हमारे रामकृष्ण मुखर्जी है और डीपी मुखर्जी मार्क्सोलॉजिस्ट, ओके, ही इज नॉट अ मार्क्सिस्ट, नहीं कह सकते हैं हम लोग उन्हें मार्क्सिस्ट, ऑल्दो ही वाज वन ऑफ द बिलीवर्स कि वो पसंद करते थे मार्क्सिस्ट अप्रोच, बट हम लोग उन्हें मार्क्सिस्ट या फिर क्लियरली उसे नहीं डालेंगे, ओके। मार्क्स के लिए क्लियरली हम लोग डीपी मुखर्जी या फिर रामकृष्ण मुखर्जी को अलग कर लेते हैं। मेट्रोपोलिस, यस, उनके काफी सारे ऐसे टाउन्स, अर्बन प्लानिंग पे भी काम था, ओके। नाउ लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो हमारे मेन सिलेबस में नहीं है, अदर इंपॉर्टेंट थिंकर्स। सबसे पहले दो नाम आएंगे, तीन नाम अदर इंपॉर्टेंट थिंकर्स में जो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, उनमें से नंबर वन इज सुरजीत सिन्हा, ओके, जिनके अंदर आपको कंटिन्यूअम, राजपूत पे काम, ये सारे सुरजीत सिन्हा के अंदर आ जाएगा, ओके। नंबर टू एससी दुबे, एससी दुबे ने भी कास्ट, ट्राइब,
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा काम की है. ओके, यस. नंबर थ्री, आई विल कीप एआर देसाई. एआर देसाई एक मार्क्सिस्ट थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका थियोरी ऑफ नेशनलिज्म, एग्रेरियन मूवमेंट या प्रेजेंट मूवमेंट. अंबेडकर बेसिकली तो अलका ही वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट, बट वेन इट कम्स टू नेट वी स्पेसिफिकली कीप हिम अंडर द सबाल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट. ही इज अ कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट बट वेन वी टॉक अबाउट इट ही बेसिकली इज अ सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव इंसान. ओके, रॉबर्ट रेडफील्ड पृथ्वी इज नॉट इंडियन ना. ओके, डीपी मुखर्जी वॉज अ मार्क्सोलॉजिस्ट, नॉट मार्क्सिस्ट. वो अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट बुलाते थे और उनका काम था इंडियन डाइवर्सिटी पे. ओके, फिर हम लोग रखेंगे आंद्रे बेते को. आंद्रे बेते को वेबर माना जाता है, वेबेरियन अप्रोच उन्होंने यूज किया था. उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको याद रखने होंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिलेटेड. और रूरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आंद्रे बेते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, मणिमाला इज आस्किंग डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिस्ट एंड मार्क्सोलॉजिस्ट. ओके, सो द रीजन वाई डीपी मुखर्जी कॉल्ड हिमसेल्फ अ मार्क्सोलॉजिस्ट इज दैट बिकॉज मार्क्स के जो भी अप्रोचेस थे वो यूज तो कर रहे थे, बट ही फेल्ट कि जो लोग अपने आप को मार्क्सिस्ट बुलाते हैं दे आर नॉट रियली डूइंग जस्टिस टू वॉट मार्क्स हैज टॉक्ड अबाउट इन हिज प्रोबेबली थियरी या फिर सो एंड सो. सो ही इज समबडी हु बिलीव्स कि उन्होंने मार्क्स के अप्रोचेस को लेके एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी अप्रोच दिखाया है, इसलिए इट बिकम्स मार्क्सोलॉजी. ओलॉजी मतलब स्टडी. ओके, और मार्क्सिस्ट मतलब आप सिर्फ मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं, बट उनके चीज को फॉलो करके क्या आप एक डिसिप्लिनरी अप्रोच अपना दिखा रहे हैं, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम बींग अ मार्क्सिस्ट. दैट्स वाई ही हिमसेल्फ कॉल्ड हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ टर्म्ड इट दैट इज मार्क्सोलॉजिस्ट. ओके, श्रीपुरम विलेज, यस, दीज आर ऑल रिलेटेड टू आंध्र बेते. श्रीपुरम एंड हिज फेमस थियरी ऑफ हार्मोनिक डिसहार्मोनिक सोसाइटी, ये सारे चीजें मैंने पढ़ाया है प्लस में. आई होप आप लोग देख रहे हो, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग मेरे प्लस के स्टूडेंट्स, बिकॉज इट्स सो वास्ट, द सिलेबस इज सो वास्ट दैट वी कैनॉट लीव आउट एनीथिंग. ओके, सो सुरजीत सिन्हा फेमस हो गए, एस सी दुबे, ए आर देसाई, डी पी मुखर्जी, आंद्रे बेते. ओके, और भी काफी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग थोड़ा उनके नाम लिख लेते हैं, बाकी आप अगर सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करें, और अगर मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं तो मैं प्लस स्टूडेंट्स को अलाउ मतलब ऑलरेडी दूंगी नोट्स. अदर पीपल आर डी एन धनागरे, देन वी ऑल्सो हैव, यस, डी एन धनागरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एस गोरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एस ए राव बहुत इंपॉर्टेंट है, कपाड़िया, पानीकर, प्रभु, दीज आर रफली ऑल द इंपॉर्टेंट वंस हु यू हैव टू रिमेंबर. मजूमदार, यस, बी एस गुहा, एन के बोस, हु एल्स, इनके अलावा मेन थिंकर्स में से कौन है हमारे इंपॉर्टेंट जो इन इन लोगों के अलावा है. के एम कपाड़िया मैंने मेंशन की है, एम एस ए राव, गोड़े, धनागड़े, प्रभु, मजुमदार, गुहा, बोस, प्रतीक्षा. सो द थिंग इज दैट प्रतीक्षा, दीज पीपल आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन सिलेबस.
Okay, so the main thinkers are these six people, but that does not mean that they, whatever they said in their theories, do not match with the concepts of other units. Let's say hum log jab क्या कहते हैं रूरल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, देन पीपल लाइक मजूमदार, धनागड़े, गोड़े, कपाड़िया प्रभु, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यस, टी एन मदान थियरीज इन किनशिप इन सेक्युलरिज्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लुई डोमो इजंट इंडियन बट वी विल कीप हिम हियर. यस, योगेंद्र सिंह वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टीके उमेन हैज गिवन थियरीज रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म. डोमो इज नॉट इंडियन. यस, ही इज नॉट इंडियन बट हिज प्राइमरी वर्क इज ऑन इंडियन सोशियोलॉजी. सो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग उन्हें इंडियन सोशियोलॉजी में ही पढ़ेंगे. ओके, एन ओकले इन अमृता इज इन टू जेंडर. एन ओकले थियरी इज नॉट प्रॉबेबली रिलेटेड टू इंडियन सोशियोलॉजी. ओके, अदर्स में हम लोग किसे किसे रखेंगे जो फॉरिन है. मैरियट, माकिम मैरियट, सिंगर, मेटकाफ, मेन, हेनरी मेन, डूमो, रेडफील्ड, हु एल्स, जो कि इंडियन नहीं थे पर उन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा उनके थियरीज है विच वी स्टडी. एनीबडी एल्स दैट्स कमिंग टू योर माइंड, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा इन लोगों का इंडियन में थियरीज. यस, सामिर अमीन एटसेट्रा, ये सारे हमारे डेवलपमेंट वाले हो जाते हैं. सामिर अमीन, अमर्त्य सेन, लिंटन वेबर नहीं होगा अपू. नो नो, फ्रैंक, दीज आर नॉट इन टू इंडिया ना, ये लोग इंडिया पे तो नहीं काम की है, स्पेसिफिकली इंडिया पे नहीं है उनका काम. बेली, यस, एफ जी बेली, गुनार मिडाल का भी इंडिया पे उतना स्पेसिफिक काम है नहीं, सो वी विल नॉट प्रोबेबली कीप हिम. प्रतीक्षा मैम, कैन यू प्रोवाइड हिंदी नोट्स. प्रतीक्षा, द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं हिंदी सिर्फ मुझे बोलना आता है, वो भी बहुत ही टूटा फूटा. मुझे ना ही हिंदी टाइप करना आता है, ना ही मतलब आई डोंट नो एनी हिंदी टेक्स्ट. सो व्हाट आई एम डूइंग दिस डेज विथ माई स्टूडेंट्स इज दैट जब भी मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ तो मैं गूगल ट्रांसलेट कर लेती हूँ. आई नो कि गूगल ट्रांसलेट में सही ट्रांसलेशन नहीं होता है, बट दैट इज माई ओनली सोर्स. सो इससे ज्यादा आई प्रोबेबली कैन नॉट बिकॉज आई एम ओनली आई नो ओनली इन इंग्लिश. ओके, अच्छा अपू, अच्छा वेबर ऑन इंडियन रिलीजन. अच्छा हाँ, वैसे हम लोग कह सकते हैं वेबर का रिलीजन जो उन्होंने काम किया था हिंदू रिलीजन पे. यस दिव्या, यू आर राइट. शालिनी मैम, देयर इज अनदर टीचर हु डज इन हिंदी बिकॉज हर होल कॉन्टेंट इज इन हिंदी. मेरा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि आई डोंट नो हिंदी, सो मेरा हिंदी सोर्स इज ओनली गूगल ट्रांसलेट जो कि उल्टा सीधा ट्रांसलेट करता है, बट दैट इज माई ओनली सोर्स. ऑकबर्न, निमकॉफ, हाँ ऐसे तो बहुत सारे हम लोग निकाल सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग फिर से एक बार टचअप कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने देखा है आज. सो मेन मैंने आपको क्या बताया है, हाउ टू रीड थिंकर्स. नंबर वन, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट इज विद स्पेशल क्लास और फ्री क्लास विच आई विल डू ऑन एमर्जेंस ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी. हाउ डिड इंडियन सोशियोलॉजी कम, इंडियन सोशियोलॉजी आने के बाद वो लोग किन टॉपिक्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे, कब आया, 1919, थिंकर्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बर्थ और डेट उनका, डेथ, मेन आइडियोलॉजी या फिर अप्रोच, मेन थियरीज, मेन बुक्स, कोटेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, उसके बाद भी सॉ बी आर अंबेडकर का अप्रोच हम लोगों ने देखा, सबाल्टर्न स्कूल, दलित, शेड्यूल कास्ट के पे, बुक्स, पॉलिसीज, एक्ट्स, बेसिकली कास्ट पे उनका जितना काम है. इंपॉर्टेंट बुक्स में हम लोग अनटचेबिलिटी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, शूद्रास रिलेटेड जो भी उन्होंने किताब लिखी है, सोशल मूवमेंट्स लेड बाय अंबेडकर, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन दैट ही हैड गिवन, एंड फेमस कोटेशंस. That is all you need for Ambedkar. Okay? Then we came to Mahatma Gandhi. We saw that he was a functionalist, exactly opposite to Ambedkar. All his social movements which he led,
ही वॉज वेरी गुड सपोर्टर ऑफ हिंदू रिलीजन और द कास्ट सिस्टम. ही वॉज अ पॉजिटिव सपोर्टर. ही गेव वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सच एज स्वराज, नॉन वायलेंस, सर्वोदया, हरिजन, सत्याग्रह एक्सेट्रा. He has very important books and theories such as trusteeship, village, and important quotations, if any. Okay? Buddha and his Dhamma by Ambedkar. Yes, exactly. Don't worry, I will do these things and in plus. Today's class was only introductory. Okay? Just the way I have done the Western thinkers with you all, ye Indian thinkers bhi aap logo ke paas main karwaungi. Okay? घोड़े का हम लोगों ने देखा कि वो सबसे पहला फाउंडर फादर इंडियन सोशियोलॉजी के रह चुके हैं, फाउंडर ऑफ आईएसएस एटसेट्रा. उनका अप्रोच इंडोलॉजी था. ओके, हेलो नैना, वेलकम. मैंने आज के क्लास में इंट्रोडक्शन दी है इंडियन थिंकर्स की, आप ये वीडियो जरूर बाद में देखें. ओके, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ थियोरिटिकल प्लूरलिज्म, वो एक टेक्स्चुअल या फिर बुक व्यू वाले इंसान थे, वो फील्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते थे. वेदास, शास्त्रास, कास्ट, रेस, क्लास, किनशिप, इस पे उनका काम था. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स उन्होंने दिया था कास्ट पे, वो बुक्स उनके इंपॉर्टेंट कास्ट और ट्राइब के बीच रिलेशन, जहां पर उन्होंने हिंदूज ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदूज बोला था. उनके स्टूडेंट थे एम एन श्रीनिवास. उनका अप्रोच था फंक्शनलिस्ट, वो एक मार्क्सिस्ट नहीं थे, वो फील्ड वर्क या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के फॉलोअर थे. उनके कुछ फेमस फील्ड वर्क्स है, उनके फाइंडिंग्स क्या थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, अलॉन्ग विद देयर फीचर्स. आपको फीचर्स भी सीखने होंगे इन सारे कॉन्सेप्ट के. विलेज, वोट बैंक, कूर्ग, ओक्का, माइशोर पे उनका काम, इंपॉर्टेंट बुक्स उसके ईयर्स के साथ. ओके, देन वी सॉ द ओनली वुमेन दैट इज इरावती कर्वे. इरावती कर्वे वॉज स्टूडेंट ऑफ घोड़े, इसीलिए शी वॉज एन इंडोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. उनका फेमस काम है किनशिप इन इंडिया, फोकलोर, पोएट्री एटसेट्रा. उन्होंने किनशिप में इंडिया में फोर जोन्स को डिवाइड किया था. शी ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ स्टडी ऑन फैमिली किनशिप, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी इन पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट. द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स विच आर युगांत. Then she reinterpreted the Indian mythological text, her famous book, The Kinship Organization in India, etc. Okay? Then we came to Radha Kamal Mukherjee. I told you that he is different from Ramakrishna Mukherjee and D.P. Mukherjee. He is not same as those. He is the same, belongs to the same time from Ghure. So he is very old. Purane zamane wale hain ye. Unka approach transdisciplinary tha, integrative approach mana jata tha. उनका फेमस काम था ऑन आर्ट, कल्चर, इंडियन वैल्यूज एंड इंडियन सिविलाइजेशन, एडल्ट एजुकेशन, एग्रेरियन सोसाइटी एंड हिज इम्पोर्टेंट बुक्स. दैट्स ऑल इज इम्पोर्टेंट फॉर राधा कमल मुखर्जी. फिर बाकी इंडियन थिंकर्स में कुछ नाम जो हम लोगों ने निकाला है, इट कैन बी, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इससे ज्यादा भी नाम हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. बट फिलहाल सुरजीत सिन्हा, जिन्होंने कास्ट ट्राइब कंटिन्यूअम की बात की है, ट्राइब पेजेंट कंटिन्यूअम की बात की है, राजपूतिनाइजेशन, ओके, एस सी दुबे का कास्ट ट्राइब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम, ए आर देसाई वॉज अ मार्क्सिस्ट, उनके नेशनलिज्म अग्रेरियन सोसाइटीज पे काम, डी पी मुखर्जी वॉज अ मार्क्सोलॉजिस्ट, उनका फेमस काम डाइवर्सिटीज. आंद्रे बेते तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही हैज अ वेराइटी ऑफ टॉपिक सच एज ही यूज द वेबेरियन अप्रोच टू इंडियन सोशियोलॉजी. His famous work in Sripuram village, social stratification ke theories, harmonic, disharmonic, rural sociology mein bahut sare concepts. Okay? Other than that, there are so many more people who are important to us, such as D.N. Dhanagare, M.S. Gore, M.S.A. Rao, K.M. Kapadia, okay? Panikar, P.N. Prabhu, D.N. Majumdar, B.S. Guha, N.K. Bose, टी एन मदान, युगेंद्र सिंह, टी के उमन एंड आदर्स, जो कि फॉरिनर्स भी है काफी सारे, जैसे कि मैकिव मेडियर, मिल्टन सिंगर, चार्ल्स मेटकाफ, हेनरी मेन, ओके, दूमो, रॉबर्ट रेडफील्ड, सामिर अमिन, अमर्त सेन, एफ जी बेली एटसेट्रा. ओके, सो आई होप दिस क्लास हेल्प यू, गिव यू सम इंट्रोडक्शन टू वॉट वी आर गोइंग टू कवर. If you have not subscribed, subscribe now for the whole syllabus this way. I am covering the whole syllabus very much in detail along with mock test, quizzes, etc. So please subscribe now if you haven't. Use this code which will give you 10% discount. Okay? In case you people have any more doubts regarding plus subscription, yeah, how many months you should be taking, etc. You can ask me. Okay? Because I am going to cover the whole syllabus only on plus.
स्पेशल क्लासेस होती रहेंगी एमसीक्यूज की, छोटे मोटे टॉपिक्स की, बट जो पूरा का पूरा सिलेबस है विल बी कवर्ड ओनली ऑन प्लस. ओके, ऑल राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लास. कल फिर से क्लास है एट 9 PM. देर इज अ क्लास टुमारो एट 9 PM एट अनअकैडमी. स्पेशल क्लास कल है, ठीक है? नो पृथ्वी, नॉट टुडे, कल है अनअकैडमी स्पेशल क्लास. Tomorrow, okay? Yes, so do attend it. We will talk about the theories of क्या कहते हैं, power, authority, elite theories, etc. Okay? So thank you so much. A lot of you joined class today. I have not yet responded to you all. I will respond you now. But those who haven't, subscribe now so that you can join me in the journey of covering the whole syllabus. And do use the code Antara Life, which will give you a 10% discount. Okay, so thank you so much. Good night, people. I'm very sorry for the electricity cut in between. मैंने अंधेरे में आप लोगों से क्लास ली मेरे फोन का नेट यूज करके. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्लास के टाइम. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने वेट किया मेरे लिए कि मैं फिर से कनेक्ट करूँ. ओके ओके, सो वट एवर हैपन्स यू हैव टू गो ऑन इन योर लाइफ. So just like that, you will have to study as well. कोई भी problem नहीं आना चाहिए. And this is to my plus students. आज रात को मैं आप लोगों को एक short mock test देने वाली हूँ. Update section में PDF डाल दूंगी, तो आप लोग please उसे solve करें. बहुत ही important mock test डालूंगी, आप लोग रात को जरूर solve करें इसे. Okay? Yes, thank you so much for your concern about asking me if I'm safe. I'm completely safe and thank you so much to all my students. Okay? All right. Bye then. Bye. Good night. Yes.